नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो स्टॉक बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी में जो आज की ओपनिंग हमारी हुई 34,555 पे, आज का जो हमने हाई लगाया है 34,900 के आसपास का लगाया है, आज का हमने लो लगाया है 34,000 और हमारी क्लोजिंग आके हुई है 34,760 पे, हमने क्लोजिंग आके यहाँ पे दे दी है। कल के सेशन में मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट लेवल बताया था बैंक निफ्टी में 34,777 का, यानी 34,777 का जो लेवल था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इंट्राडे के लिए। पहले लिए हमारे लिए पहला जो रेजिस्टेंस जो हमारे पास था वो यही था। तो कल के सेशन में ऑलरेडी मैंने बताया था कि इंट्राडे के लिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर दोस्तों बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपने हमारी सारी वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने कैसे निकाला था। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे कमेंट करके पूछ रहे थे, तो ये रेजिस्टेंस लेवल निकालने के लिए आपको हमारी वीडियो जाके देखनी पड़ेगी। लर्निंग वाले चैनल पर आप जाके देखिएगा वीडियो, तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस हम किस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए, कल की वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि हमारे लिए ये क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की हमने देखो, सारा दिन हमने नीचे की तरफ ट्रेड किया, हम ऊपर की तरफ जब 34,777 निकले तो हम 34,900 का हाई लगा के वापस हमने आके क्लोजिंग हमारी 34,777 के नीचे ही हमने आके यहाँ पे बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग कर दी। तो बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग बेसिस पे भी अब जो लेवल हमारा 34,777 था, जो कल के लिए था, मतलब आज के लिए था, अब कल के लिए जो हमारा लेवल होगा वो होगा 34,819 का। तो ये लेवल हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ, ये इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहाँ के लिए है? क्लोजिंग के लिए। अब हमें क्लोजिंग जो चाहिए होगी वो 34,919 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तब जो हमारा टारगेट यहाँ पे आएगा वो टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा 35,490 का, और उसके बाद हम निकलेंगे तो 35,980 के। ये दो टारगेट के लिए हम तब फिर बैंक निफ्टी को होल्ड कर सकते हैं। कब? जब हम 34,919 के ऊपर कल क्लोज करें। ध्यान रखिएगा, 34,819 के ऊपर अगर हम क्लोज करेंगे तब हमारे लिए ऊपर के ये लेवल ओपन हो जाते हैं पोजिशनल साइड में। अब मान लीजिए इंपॉर्टेंट इंट्राडे के लिए हम कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को, तो पहले मैं इसको 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे आप लोग को सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, कल के सेशन में मैंने क्या बोला था, कल के सेशन में मैंने बताया था कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो हम ओपनिंग किए हैं 33,600 के आसपास का, ये हमारे लिए सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पोजिशनल साइड के लिए। जो भी पोजिशनल जिनका व्यू है उनके लिए ये स्टॉप लॉस रहेगा। और इंट्राडे के लिए मैंने सपोर्ट बताया था कि हमारे लिए जो सपोर्ट है वो 34,000 का लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में यहाँ पे निकल के आएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है तो 34,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा। कल के सेशन में बोला था कि अगर हम यहाँ पे 440 और 220 के अंदर में ओपन होते हैं तो नीचे की साइड में हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 34,000 के आसपास का होगा। तो मार्केट ने यहाँ पे 34,000 का टारगेट दिया, लेकिन हम ऊपर ओपन हुए थे 34,570 के आसपास में ओपन हुए, तो इतनी बड़ी मूवमेंट अगर 5 मिनट में हो जाएगी तो उसके बाद हम शॉर्ट करने के लिए नहीं बैठेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि 5 मिनट में ही अगर मार्केट ने 500 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है तो यहाँ पर अपनी स्किल आपको यूज़ करनी है कि भाई थोड़ी देर वेट करते हैं, मार्केट को एक रेंज बनाने देते हैं, उसके बाद हम यहां पे शॉर्ट करेंगे या फिर बाइंग करेंगे। बाइंग साइड में मैंने आज आप लोग को बताया था कि जब हम 34,560 को निकालेंगे तो हम काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाएंगे, और जैसे हमने 34,560 को निकाला हम 5 मिनट में ही 34,680 के आसपास हम पहुंच गए थे। और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने बताया था 34,777 का, जो कि मैंने सुबह ही आप लोग को दे दिया था, और मार्केट ने जो हाई लगाया था यहां पे 34,776.4 का मार्केट हाई लगा के वहीं से मार्केट यहाँ पे घूम गया था। तो पहला जो हमने रेजिस्टेंस दिया था उसको मार्केट ने बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो किया और वापस नीचे आके हम दोबारा गए, लेकिन हमने क्लोजिंग आके अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके नीचे ही आके हमने यहाँ पे क्लोजिंग किया। तो कल के लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ध्यान रखिएगा। कल के लिए थोड़ा सा ऊपर की साइड में ट्रेड देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ध्यान रखिएगा फिर भी अगर आपको ट्रेड करना ही है तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए मार्केट इसी रेंज में ओपन हो, ध्यान रखिएगा सबसे जरूरी है कि ओपन कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट ओपनिंग है हमारी। अगर ओपनिंग हम इस रेंज के अंदर में करते हैं, मान लीजिए ओपनिंग हमारी होती है यहां पे 34,650 से लेकर के 34,840 के बीच में अगर ओपनिंग होती है, और ओपनिंग के बाद 840 के लेवल को हम निकालते हैं तो यहां पे जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 34,950 के आसपास का, हमारा टारगेट पहला निकल के आएगा। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो फिर हम जा सकते हैं यहां पे 35,000
50 के आसपास तक हम यहाँ पे जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। कब? जब हम इस रेंज के अंदर में, यानी जो हमने ये रेंज बनाई है ना, इस रेंज के अंदर में ओपन होते हैं तब। अगर मान लीजिए हम गैप अप ओपन होते हैं, गैप अप ओपन होते हैं कहाँ पे? हम यहाँ पे 34900 के आसपास, मान लीजिए 34900 के आसपास ओपन होते हैं, 150 पॉइंट गैप अप 34900 के आसपास अगर ओपन होते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। शुरुआत की एक दो मिनट की कैंडल आपको देखनी पड़ेगी, जो आपका एक दो मिनट का सेटअप है, अगर उस सेटअप में बनेगा तब फिर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, वरना चुपचाप यहाँ पे शांति से हम बैठे रहेंगे। मार्केट जब ये 34900 के आसपास कोई रेंज मार्केट बनाएगा और उस रेंज को हायर साइड में ब्रेक करेगा तब मैं यहाँ पे फिर एंट्री लूँगा। और जब भी मैं एंट्री लूँगा या फिर एंट्री लेने वाला हूँगा, मार्केट अगर सही रेंज बनाएगा तो मैं आप लोग को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। ऑलरेडी 83,000 से ज्यादा मेंबर वहां पे जुड़े हैं, तो आप भी वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे की साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा लेवल है, ध्यान रखिएगा, जो हमने आज बाइंग के लिए आप लोग को दिया था ना, वही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 34,500 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। तो जब भी मार्केट, मान लीजिए अगर यहाँ पे 34,500 के आसपास हम गैप डाउन ओपन होते हैं और यहाँ पे हम कोई रेंज बना के 500 के नीचे ट्रेड कंटिन्यू नहीं करते हैं, वापस हायर एंड को ब्रेक करते हैं, तो फिर से हम 34,750 के आसपास तक आ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने काफ़ी देर 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट इसी रेंज के आसपास ट्रेड किया और वापस हमने 500 को लेवल को ब्रेक किया, तो हम 34,420 के आसपास तक यहाँ पे फिर हम आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में ये इंपॉर्टेंट लेवल है, नज़र बना के रखिएगा कि गैप अप में हमें किस तरह से ट्रेड करना है और गैप डाउन में हमें किस तरह से ट्रेड करना है। सही ट्रेड आपको तब मिलेगा जब हम रेंज के अंदर ओपन होते हैं ना, तो रेंज के अंदर ओपन होने के बाद अगर हम 700 को ब्रेक करते हैं तो फिर हम यहाँ पे 650 के लेवल देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद करेंगे। पहला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक थोड़ा सा होल्ड कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, जिसके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस अब जरूर यहाँ पे 615 का फॉलो कीजिए। मेरे ख्याल से थोड़ी सी मूवमेंट यहाँ पे बची हुई है, लेकिन थोड़ा सा नई पोजीशन बनाने की सलाह नहीं दूंगा, बस आप इंतजार कीजिए अगर आपके पास पोजीशन है तो। बंधन बैंक, ऑलरेडी मैंने बताया था कि बंधन बैंक को 320 के बाद बहुत अच्छी मूवमेंट होगी, टारगेट हमारा 350 के आसपास, तो आज इसने 348 का हाई ऑलरेडी लगा दिया है बंधन बैंक ने। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा व्यू अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, वेट करूंगा। फेडरल बैंक, जैसा कि मैंने बोला था कि 78 के आसपास अगर जिसको लेना है वो लेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके आप जरूर यहाँ पे 79.50 का लगा लीजिएगा। HDFC बैंक ये थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर रहा ऊपर की साइड में, कल के सेशन में अगर आज के हाई को निकालता है तो फिर से ये जबरदस्त मूवमेंट देगा और ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और जो इसके टारगेट होंगे वो 1600 के आसपास कल इंट्राडे में मिल सकते हैं HDFC बैंक में। दोस्तों अगर आप भी फ्री स्टॉक्स मार्केट ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, किसी एक के साथ में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और एक्टिव होकर वहाँ पर आप ट्रेड करते हैं तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमारे फ्री लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे। अगला स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। यहाँ पर भी कुछ खास मूवमेंट मुझे नहीं दिख रही है, मतलब फिलहाल कल के सेशन के लिए खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन आपके पास अगर पोजीशन है तो स्टॉप लॉस जरूर 613 का फॉलो कीजिएगा क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 560 के पास इसको आप रिकमेंड किया था। IDFC फर्स्ट कुछ नहीं करना है, वेट करना है। इंडसइंड बैंक, इसको मैंने कल बिल्कुल क्लियर कट आप लोग को बोला था कि 1000 के ऊपर निकलेगा तो ये बहुत तेजी से आपको कम से कम 7 से 8% की मूवमेंट देगा, नहीं होगा तो कल की वीडियो को जाकर ध्यान से सुनिएगा। तो वहाँ पर देखिए 1000 के ऊपर बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पर भी मिल गई इंडसइंड बैंक में भी। कोटक बैंक जब तक 1920 को नहीं ब्रेक करेगा तब तक इसमें बड़ी चाल देखने को आपको नहीं मिलेगी। RBL बैंक बिल्कुल बने रही है, शायद इसी कंडीशन में शायद ये फिर से 270-280 के पास तक ये जा सकता है। SBI ऑलरेडी मेरे पास भी पोजीशन होल्ड है, क्योंकि इसने 30 के लेवल को ब्रेक नहीं किया क्लोजिंग बेसिस पे, तो अब मैंने स्टॉप लॉस इसका जो लगा लिया फिर से 30 का ही लगाया है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 30 के नीचे क्लोज करता हुआ मुझे दिखेगा तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।